क्या आपके साथ कभी ये घटना हुआ है? गैस सिलेंडर का जो कैप होता है वो गलती से कभी गुम हो जाता है, और जब गैस एजेंसी वाले आपके घर गैस डिलीवर करने के लिए आते हैं और जब देखते हैं कि आपके गैस से कैप गायब है और उसके बदले आपसे 20 से 25 रुपए वसूलते हैं। क्या आपको पता है गवर्नमेंट जो चार्ज करती है इस कैप का वो काफी ज्यादा कम होता है। मैं आपको एक राज की बात बताऊं, अगर आपसे डिलीवरी वाले कैप के ज्यादा रुपए वसूलते हैं जो कि नॉर्मली सारे डिलीवरी वाले लेते ही हैं, अगर आप उस पर कंप्लेन कर देते हैं और आप जैसे दो तीन लोग और कंप्लेन कर देते हैं तो उस डिलीवरी वाले को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको रियल प्राइस बताऊंगा कैब की, और साथ में कंप्लेन कैसे करें ये भी बताऊंगा एक स्टोरी के जरिए जो कि एक शख्स के साथ घटी थी। तो आगे बढ़ने से पहले यार, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो यार, हम ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट लाते रहते हैं। तो चलो यार इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक शख्स था जो कि अपने गांव गया था और उसके घर पर 3 सिलेंडर खाली थे और ज्यादातर ये काम घर के नौजवानों को दिया जाता है, तो उसे ये तीनों गैसों को भरे हुए गैसों से बदलवाने की जिम्मेदारी मिली। तो उसने तीनों सिलेंडर को लेकर गांव के चौराहे पर पहुंच गया और वहां पर गैसों से भरा हुआ एक ट्रक था। डिलीवरी वाले ने कहा, अरे भाई 45 रुपए निकालो 3 भरे हुए सिलेंडर अपने ट्रक से नीचे रखते वक्त। तो उस शख्स ने बोला, मैंने तो आपको पहले ही भरे हुए सिलेंडर की कुल कीमत दे दी है। डिलीवरी वाले ने कहा, आपके सिलेंडर के ढक्कन कहाँ है? अगर वो नहीं है तो फिर आपको 15 रुपए एक का देना पड़ेगा। फिर उस शख्स ने हिचकिचाहट के साथ पैसे दे दिए। वहां पे 10-15 लोग मौजूद थे और 45 रुपए के लिए कौन बहस करने जाता उस डिलीवरी वाले से। फिर उस शख्स ने बोला, क्या मुझे इसकी रसीद मिल सकती है? शख्स ने जैसे उसकी किडनी मांग ली हो, वो घूरने लगा और बड़े ही गुस्साए हुए चेहरे के साथ ऊंची आवाज में बदतमीजी के साथ बोलने लगा और कहा कि बड़े आय साहब बनने सिलेंडर लेना है तो लो, बाकी आगे निकलो। अब यहाँ पर उसने उस शख्स की बेइज्जती करके गलती कर दी, क्योंकि वह शख्स काफी जिद्दी था। अब उस शख्स की बारी थी, वह सब काम खत्म करके घर आया और इंटरनेट पे देखने लगा कि शिकायत कैसे करे। तभी उसने ट्विटर पर गैस एवं ऑयल की शिकायत का मंत्रालय देखा, MOPNGE सेवा। फिर क्या, उसने तो भाई शिकायत दर्ज करवा ही ली। सोचा अगर कुछ नहीं तो ढक्कन का सही कीमत तो पता चलेगा। फिर 2 दिन बाद वह अपने हॉस्टल पहुंच गया और कुछ टाइम बाद गैस एजेंसी वाले का फोन आया और कहा कि सर क्या आपने शिकायत दर्ज करवाई थी? उसने कहा, हाँ बताइए। उसने कहा, महोदय आपको तकलीफ थी तो हमें फोन करते हैं, आपकी शिकायत से हमें मिनिस्ट्री से सीधा नोटिस मिला है, ऐसे ही 2-3 नोटिस मिलने पर हमें बहुत नुकसान हो सकता है। बाद में उसने सारी बात विस्तार से बताई और उन्होंने कहा कि आपके साथ हुआ है वह बिल्कुल अव्यवहारिक है, हम इस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। और बाद में उसने कहा कि ढक्कन नहीं होता है तो उसको आपको सिर्फ 6 रुपए देने पड़ते हैं और आपसे जो रुपए लिए गए हैं वो आपको लौटा दिए जाएंगे। और फिर गैस से रिलेटेड जितने भी जानकारी थी A to Z वो सब उस शख्स को बताया। फिर रात को उस शख्स के पास फोन आता है कि भैया आप हाजिर नहीं थे, मैं अपनी जिम्मेदारी समझकर आपके गांव जाकर आपके घर वो पैसा लौटा दिया हूँ। तो आप समझ ही गए होंगे कि गैस के कैप की कीमत कितनी होती है, मात्र 6 रुपए होती है। और आपके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि अगर हमें कंप्लेन करना होगा तो हम कैसे करेंगे। मैं आपको बता दूं, जिस भी कंपनी के सिलेंडर आप यूज कर रहे होंगे आप जाकर गूगल पे कंप्लेन नंबर सर्च करेंगे उस गैस के कंपनी का, तो आपको कंप्लेन नंबर मिल जाएगा, उस पे आप फोन करके अपना कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं। तो यार आपको वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को भी लाइक कर देना। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे किसी नए फ्रेश वीडियो के साथ।